हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रो प्लेयर के सीटिंग के बारे में। दोस्तों वीडियो को पूरा देखना है, मिस नहीं करना है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे चैनल पर फ्री फायर से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक वीडियो आती रहते हैं। अब हम बात करते हैं प्रो प्लेयर के सीटिंग के बारे में। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप भी प्रो प्लेयर बन सकते हैं। प्रो प्लेयर बनना कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए अब मैं टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले सीटिंग में जाना है। सबसे पहले आप सबको बेसिक के बताते हैं। अगर आप 2GB रैम का फ़ोन यूज़ करते हैं तो आपको स्मूथ रखना है। यदि आप 3GB रैम का फ़ोन इस्तेमाल करते हैं तो आपको अल्ट्रा रख देना है, या तो फिर आप 4GB रैम का इस्तेमाल करते हैं तो आपको स्टैंडर्ड रखना है। उसके नीचे नॉर्थ स्क्रीन है, उसको ऑफ़ कर देना है। फिर लैंग्वेज जो है उसको इंग्लिश ही रखना है। अब मिनी मैप में बताते हैं। सेकेंड नंबर में जो रेटिंग मैप है उसको रखना है। अब दो नंबर पर आते हैं। अब मैं आपको सेंसिटिविटी के बारे में बताते हैं। दोस्तों सेंसिटिविटी में सबसे पहले जो आपको जनरल दिख रहा है, दोस्तों सबसे पहले मैं उसको पूरा सॉ करके देखता हूँ किस तरह से गेम चलता है। तो देखिए दोस्तों, मैं गेम प्ले कर रहा हूँ, जब मैं सॉ रखता हूँ दोस्तों तो इस तरह से ये पूरा घूम जा रहा है। दोस्तों इससे क्या होगा, जब भी हम किसी बंदे पर निशाना लगाएंगे तो एक बार में नहीं लग पाएगा दोस्तों। इसके लिए हमको सॉ कभी नहीं रखना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ जनरल कितना रखना है। दोस्तों जनरल जो है आपको 32 रखना है। दोस्तों जैसे देखिए मैंने अभी 32 रखा है। दोस्तों अब मैं फिर से गेम प्ले करके देख रहा हूँ दोस्तों 32 रखने के बाद किस तरह से घूमता है। तो देखिए दोस्तों ये देख सकते हैं, ये पूरा नहीं घूमता है। दोस्तों आप आसानी से बंदे पर निशाना इस तरह से लगा सकते हैं, आप हर बंदे को मार सकते हैं इस तरह से। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ रेड डॉट के बारे में। दोस्तों आपको ये बता दूँ रेड डॉट कितना रखना है। तो रेड डॉट आपको 44 रखना है, इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा गेम प्ले करने समय। और उसके बाद मैं फिर आपको बताता हूँ 2x स्कोप क्या है। 2x स्कोप को आपको सिंपल से 62 रख देना है। और उसके बाद आपको 4x स्कोप जो दिख रहा है दोस्तों उसको भी 60 रख देना है। दोस्तों AWM स्कोप है दोस्तों, उसको भी आपको 50 रख देना है। दोस्तों इससे ज़्यादा नहीं रखना है, आपको 50 ही रखना है। तो चलिए दोस्तों हमारे वीडियो ख़त्म हो गया, यही प्रो प्लेयर का सीटिंग था। दोस्तों जय हिंद जय भारत।